हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है बहुत अच्छा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि इस पूरे संवाद की स्टोरी क्या है। मतलब आपको एक बेस पता चल जाए कि ये संवाद क्यों लिखा गया है, एक्चुअल में हुआ क्या था। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना शुरू करते हैं अपने इस संवाद को, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो पूरा आपका संवाद वाला चैप्टर है, तो परशुराम और लक्ष्मण के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोहे और चौपाइयाँ लिखी गई हैं। और ये जो दोहे और चौपाइयाँ हैं, ये रामचरितमानस के बालकांड में से लिए गए हैं। जैसे एक नॉवल होती है, उस नॉवल में काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही रामचरितमानस एक नॉवल लगा लीजिए, और उसके अंदर एक चैप्टर है बालकांड। उस बालकांड में ये जो दोहे और चौपाइयाँ हैं राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद के, वो लिए गए हैं। तो बालकांड जो चैप्टर है ना रामचरितमानस में, उसमें भगवान राम के जन्म से लेकर भगवान राम और माता सीता के विवाह तक के सारे प्रसंग लिखे हुए हैं, ठीक है। और इस प्रसंग, ये जो प्रसंग होता है, ये संवाद जो होते हैं, ये उस समय का है जब राजा जनक की पुत्री माता सीता का स्वयंवर का आयोजन करवाया जाता है। तो देश विदेश के जितने भी राजा होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, उनमें से एक भगवान राम भी थे। और कंडीशन या फिर शर्त ये होती है कि जो भी राजा शिव जी के धनुष को तोड़ देगा, वो उसको मेरी पुत्री जो है वो अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेंगी और वरमाला पहना देंगी। तो क्या होता है, भगवान राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया और माता सीता ने उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने वरमाला पहनाई थी। लेकिन जब भगवान राम ने उन शिव जी के धनुष को तोड़ा था, तब उसके टूटने की आवाज़ तीनों लोकों में सुनाई दी थी। और सुनाई देने के बाद परशुराम, जो कि शिव जी के अनन्य भक्त हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा। वो इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि वो राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं। और तब से भगवान राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जितने भी संवाद होते हैं, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो अब संवाद जो है वो यहाँ से चालू हो जाता है, नाथ शंभु धनु से लेकर सकल संसार तक। यहाँ पर क्या होता है, परशुराम जैसे ही राजा जनक के दरबार में आते हैं, तो परशुराम को क्रोधित देखकर श्री राम बोलते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो आपको कोई सेवक ही होगा, क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए ना। तो ये बात सुनकर जो परशुराम है वो क्रोधित होके बोलते हैं, सेवक वो होता है भाई जो सेवा करता है, जिसने दुश्मनी का या फिर शत्रुता का काम किया है, उसके साथ तो लड़ाई होनी जायज है। हे राम सुनो, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु कौन था? इतिहास में देखा जाए तो सहस्त्रबाहु बहुत ही बड़े वॉरियर थे, उन्होंने काफी सारे युद्ध जीते हुए हैं, ठीक है। और एक ही युद्ध ऐसा था इतिहास में जो कि सहस्त्रबाहु हारे थे, वो भी परशुराम से हार गए थे। तो भगवान परशुराम कहते हैं कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। या तो वो इस समाज को छोड़ के खुद ही चले जाए, अन्यथा मैं सभी राजाओं को मार दूंगा, सभी राजाओं का देहांत जो है वो मेरे हाथों से ही होगा। वो इतना ज़्यादा क्रोधित होकर ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो ये वचन सुन के हमारे भगवान लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराते हैं, उन्हें थोड़ी मजाकिया लगती है ये सारी बातें। और वो भगवान परशुराम का मजाक करते हुए, अपमान करते हुए बोलते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपको इतना गुस्सा नहीं आया, इस धनुष में ऐसी आपकी क्या ममता है जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आ रहा है। तो ये ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और ये सुनकर जो भृगुवंश की ध्वजा है, यानी कि जो परशुराम है, वो और भी ज़्यादा क्रोधित होकर बोलते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे कोई होश नहीं है कि तू किसके साथ बात कर रहा है और कैसे बात कर रहा है। काल के वश में मतलब कि वो उनकी जो मृत्यु है वो मंडरा रही है, कि मतलब जो परशुराम है वो बहुत क्रोधित है और उन्होंने आज तक बहुत सारे राजाओं की मृत्यु की हुई है, और वो अपने अत्यंत क्रोध के लिए विश्व में पूरे फेमस थे, ठीक है। तो बोलते हैं लक्ष्मण जी को कि अरे राजपुत्र, तू काल के मुंह में होके, काल के वश में होके, यानी कि अपनी मृत्यु के वश में होके ही तुझे बोलने का कोई होश नहीं है। सारे संसार में इतना ज्यादा फेमस धनुष, शिव जी का धनुष जो है, वो तुझे किसी मामूली धनुष की तरह लगता है। ये बहुत ज्यादा फेमस धनुष था जिसको किसी ने तोड़ा है, और ये किसी मामूली धनुष के समान नहीं है, ठीक है। आगे देखो यहाँ से पढ़ना है हमें, लखन कहा हंसी से लेकर परसु मौत अरी घोर तक। यहाँ पर अब क्या होता है, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, वो कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सारे धनुष एक समान है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत फेमस सा धनुष है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल धनुष है, सारे धनुष एक समान है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। पुराने धनुष को तोड़ने में तो क्या हानि लागे, तो बहुत पुराना धनुष था, और हमारे भगवान राम ने तो इसको नया समझ के ही देखा था, ठीक है। लेकिन परंतु यह तो छूते ही टूट गया, ऐसा जैसे हमें तो लगा कि नया धनुष है, लेकिन ये तो भगवान राम ने जैसे ही छुआ ना वैसे ही टूट गया वो। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम अपने फरसे की तरफ, उनके पास एक फरसा था, एक कुल्हाड़ी थी, वो अपने फरसे की तरफ देखते हैं और उस फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं, अरे दुष्ट, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता, तुझे ये नहीं पता कि मैं कितना गुस्सैल हूँ, मैं तुझे बालक जानकर छोड़ रहा हूँ या फिर तुझे बालक समझ के नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे सिंपल सा मुनि की तरह जान रहा है क्या? मैं मुनि, सिंपल मुनि नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। मतलब मेरी अभी तक कोई शादी वादी नहीं हुई है और मैं बहुत ज्यादा क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ और मैंने आज बहुत सारे राजाओं को स्वयं मारा है, ठीक है। और मैंने अपनी भुजाओं के बल से, अपनी मसल्स के बल से पृथ्वी पर से काफी राजाओं को मारा है। और हे राजकुमार, जो मेरा दुश्मन था सहस्त्रबाहु, मैंने उसकी भुजाओं को भी अपने फरसे से काट दिया था। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को देख, मैंने इसी फरसे से सहस्त्रबाहु के मसल्स को काटा था। अरे राजा के बालक, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच, उनके तेरे माता पिता पर क्या बीतेगी। मेरा फरसा बड़ा भयानक है और मैंने काफी सारे न्यू बॉर्न जो बच्चे हैं उनको भी मारा है, जो बच्चे होने वाले हैं उनको भी काफी ज्यादा मार दिया है, ठीक है। अगला संवाद देखते हैं, अगला संवाद क्या होता है। बहिसी लखनऊ बोले मृदु बानी, बोले गिरा गंभीर तक। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो लक्ष्मण जी फिर हंस देते हैं और कोमल सी आवाज में या फिर वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा, वो कहते हैं कि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी या फिर फरसा दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाने की बात करते हैं। यहाँ कोई, मैं कोई छोटा मोटा बच्चा थोड़े ना हूँ या फिर मैं कोई छोटा सा फल थोड़े ना हूँ जो कि उंगली से ही डर जाऊंगा, ऐसा मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। आप तो जब देखो अपने कुल्हाड़ी को मुझे दिखा देते हो, ओके। और जैसे ही आप हमेशा अपने आप, वैसे आपको ये धनुष वगैरह या फिर ये जो बाण वगैरह आप दिखा रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बाद में लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको ये जितने भी आपने ये धनुष, बाण या फिर फरसा, कुल्हाड़ी और धनुष वगैरह कैरी किए हुए हैं, इसका कोई फायदा नहीं है कैरी करने का। मैं अपने गुस्से को रोक लेता हूँ, मुझे खुद भी दिख रहा है जो आप ये फरसे बार बार मुझे दिखा रहे हो, मुझे खुद भी दिख रहा है अपनी आंखों से, और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाए और मैं भी अपने गुस्से पर कायम करे बैठा हुआ हूँ। और हमें ऐसे सिखाया जाता है कि जो देवता होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, बेसिकली परशुराम एक ब्राह्मण थे, जो देवता होते हैं ब्राह्मण होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं, जैसे कि परशुराम शिव जी के भक्त थे। और जो गोयन होते हैं उन पे हम वीरता नहीं दिखाते, उनको हम मार नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उन्हें मारने से पाप लगता है। तो इनडायरेक्टली भगवान जो लक्ष्मण होते हैं वो कहते हैं कि अगर मैं आपको मारूंगा तो मुझी पर पाप लगेगा, वो इस तरीके से कहते हैं। एंड इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, मतलब हमारा सम्मान नहीं होगा, आपको मारने से हमारा तो अपमान ही होगा, इसलिए अगर आप हमें मारोगे तो भी हमें आपके पैर ही पकड़ने चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वर्जों के समान है, धनुष, बाण और कुठार तो आप वैसे ही आप धारण कर रहे हो, आपके जितने भी वचन होते हैं ना वो तो खुद ही एक शस्त्र के समान है, ठीक है। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि अगर फिर भी मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और ये सुनकर परशुराम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिर से क्रोधित हो जाता है और वो गंभीर वाणी में बोलता है, वो क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। कौशिक सनहु मंद यहू बालक से लेकर बालकू से लेकर कायर कही प्रतापू तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, हे विश्वामित्र, विश्वामित्र जो हैं वो एक ऋषि थे जो कि उसी राजा जनक के दरबार में बैठे हुए थे। हे विश्वामित्र सुनो, ये जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा कुबुद्धि है, इसके अंदर तो बुद्धि ही नहीं है और बहुत ही ज़्यादा कुटिल है, ठीक है। काल के वश में होकर ही, मतलब इसकी मृत्यु इसके सामने खड़ी हुई है और फिर भी ये अपने कुल का, मतलब जहाँ से बिलोंग करता है, ये अपने कुल का ही घातक बन रहा है कि ये चाहता है कि जहाँ पर ये पैदा हुआ है वहीं पर मैं सभी लोगों को मार दूँ और इसको भी मार दूँ, ठीक है। यहाँ यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र में कलंक है। ये तो बिल्कुल एक कलंक की तरह ये बालक, ये बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा मूर्ख है, निडर है, इसको पता ही नहीं है क्या बोले जा रहा है मेरे सामने, और इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अभी क्षण भर में यह काल को ग्रास हो जाएगा, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो अभी इसको एक सेकेंड के अंदर अंदर मैं इसको मृत्यु दे सकता हूँ। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। मैं अभी बोल रहा हूँ तुमसे और बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने इस बालक को मार दिया। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, जो मेरा शौर्य है, मेरा बल, क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो कि ये चुप रहे, मौन रहे। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी फिर भी नहीं रुके। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश यानी कि आपकी जो अचीवमेंट्स है, आपके रहते हुए दूसरा कौन बताएगा आपकी जो अचीवमेंट्स है। आपने तो अपने खुद के मुंह से इतनी तारीफ कर दी अपनी बार, अपनी सुयश का अपने आप ही खुद ने ही बता दिया, और इतने पर भी अगर आपको संतोष या फिर सेटिस्फैक्शन ना हुआ हो तो आप कह डालिए। आप अपने अंदर ही इसको रख के दुखी मत हो कि मैंने अपनी ये सेटिस्फैक्शन, ये अचीवमेंट नहीं बताई, वो अचीवमेंट नहीं बताई। आप तो जब से आए हो तब से ही अपने बारे में बताए जा रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप वीरता का वर्ण धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देना तो शोभा ही नहीं पाते। वो कहते हैं कि आप तो इतने वीर योद्धा हो और आपने इतने सारे लोगों को मारा है, आप इतने धैर्यवान हो, आपके मुंह से ये कठोर शब्द या फिर गाली जो है वो शोभा नहीं देते। शूरवीर जो होते हैं, यानी कि एक योद्धा जो होता है, वो डायरेक्टली युद्ध भूमि में आके अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। वो जो शूरवीर होते हैं वो अपनी तारीफ खुद के मुंह से नहीं करते, वो डायरेक्टली अपना जो शौर्य होता है, अपनी जो बल प्रताप होता है, वो डायरेक्टली युद्ध भूमि में आके दिखाता है, अपनी कोई ऐसी तारीफ नहीं करता। ठीक है। और शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करता है, यानी कि वो कहते हैं कि वो इंसान कायर होता है जो कि अपने प्रताप की, शौर्य की डींगे हाँकता रहता है और युद्ध भूमि में आता ही नहीं है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे कौन सा संवाद होता है। तुम्हें तो कालू हाँक से लेकर ना बुझ अबुझ तक। यहाँ पर क्या होता है, आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। कहते हो कि आप तो जब से आए हो तब से यूँ कह रहे हो कि जैसे ऐसा लग रहा है कि आप तो बार बार मेरे लिए यमराज को बुला रहे हो या फिर काल को बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक से फरसे को ऐसे सुधा हाथ में निकाला और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, ये इतना कड़वा बोलने वाला बालक जो है वो मारे जाने के लिए ही बना हुआ है, ये इसी लायक है कि ये मारा जाए। इसे बालक देख कर मैं इसे बालक समझकर मैंने इसको बहुत छोड़ने का सोचा या फिर बचाने का सोचा, लेकिन अब ये सचमुच ही मरने वाला है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। जो विश्वामित्र जो बहुत ज़्यादा बड़े ऋषि थे, वो जो वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने कहा परशुराम से कि हमारा जो अपराध है, जो आपके हमारे दरबार में हुआ है, आपका अपमान हुआ है, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए जो हमने अपराध किया है। बालकों की जो कोई भी दोष होता है या फिर कोई भी गुण है, उन्हें साधु लोग गिनते नहीं, क्योंकि वो बालक होते, उन्हें पता नहीं होता किसी भी चीज का। परशुराम जी बोले, तीखी धार का काठुर। परशुराम जी कहते हैं कि ये जो तीखी धार है ना, एकदम बिल्कुल ही पैनी पैनी सी इसकी जो धार है मेरी कुल्हाड़ी की या फरसे की, मैं दया रहित और क्रोधित और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है कि ये जो बच्चा है वो मेरे इस कुल्हाड़ी के देखने के बाद भी, मैं इतना क्रोधी हूँ फिर भी उसके बाद भी ये मेरा द्रोही है, मैं इसका गुरु हूँ फिर भी इसने गुरुद्रोह किया है और मेरा अपमान किया है, और तब भी ये मुझे उत्तर दिए जा रहा है, अब मेरा अपमान ये बार बार किए जा रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो मैं इस बालक का यहीं पर इसको काट कर इसकी मृत्यु कर देता। ठीक है। और इसने जो है, फिर क्या होता है, विश्वामित्र अपने ही मन में, हृदय में हंसकर कहते हैं, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी कि उन्हें ये नहीं पता कि श्री राम और लक्ष्मण जो है वो साधारण क्षत्रिय नहीं है, किंतु ये फौलाद की बनी हुई खांड है। ठीक है। ये रस की खांड नहीं है जो कि मुंह में लेके ही गल जाए। खेद है मुनि को, अभी मुनि समझ नहीं रहे हैं, फिर परशुराम समझ नहीं रहे कि ये इतने महान क्षत्रिय कौन है, इनके प्रभाव को समझ ही नहीं रहे, इस वजह से वो ऐसे बोले जा रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखते हो क्या होता है। कहेऊ लखन मुनि सिलू तुम्हारा से लेकर बोले रघुकुल भानु। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम, भगवान परशुराम, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। क्या होता है, माता पिता जो हैं, जो परशुराम के माता पिता थे, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो आप, वो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हैं। एक्चुअल में क्या होता है, परशुराम ने अपने ही माता पिता का, बेसिकली अपनी ही मदर की डेथ कर दी थी, क्योंकि उनके पिता ने उनको ऐसा कहा था, ऐसा। तो वो कहते हैं कि आप अपने आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, आप अपने माता पिता से तो ऋणित हो ही गए हैं, क्योंकि आपने अपनी मम्मी को ही मार दिया था। आप गुरु का भी ऋण रहा, अब आप मुझे मारकर आप गुरु के भी ऋणी बन रहे हैं, जिसका जी वह मानो हमारे ही साथ काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। कहते हैं कि आप जो है मुझे मार ही दीजिए, आपका जो है वो ब्याज भी बढ़ गया होगा, इस वजह से आप अब मुझे मार ही दीजिए। अब किसी हिसाब करने वाले को भी बुला लीजिए कि कितना आपके ऊपर ऋण चढ़ चुका है, कितना आपके ऊपर इंटरेस्ट है, किस किस को आपको मारना है। आप एक हिसाब करने वाले को भी बुला लीजिए, और आप चाहे तो मुझे मार भी सकते हैं। मैं तो तुरंत थैली खोलकर दे रहा हूँ, और मैं आपको खुली इजाज़त दे रहा हूँ कि आप मुझे मार सकते हैं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना जो कुल्हाड़ी या फिर फरसा है वो संभाला होता है, और सारी जो सभा होती है, राजा जनक का जितना भी दरबार होता है, जो भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, वो हाय हाय करते हैं, और पूरे सारे लोग जो है वो ऐसे हाय हाय करके पुकार उठते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भृगुश्रेष्ठ, हे परशुराम, आप मुझे फिर से फरसा दिखा रहे हैं, आप जो है बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। पर हे राजाओं के शत्रु, कि आपने सारे राजाओं का नाश किया है, हे उनके शत्रु, मैं ब्राह्मण सोचकर आपको बचा रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और मैं ये ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आपको कभी भी रणधीर बलवान नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, कि जो आप ब्राह्मण हो, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, कि आप अपने घर में ही बड़े हैं। यह जो है, और ये सब सुनकर, लक्ष्मण जी ये सब वचन सुनकर सब कहते हैं अनुचित है, अनुचित है, और सभी लोग ऐसे पुकार उठते हैं। उस टाइम पे जब सारा मामला बिगड़ चुका था, उस टाइम पे श्री राम जो है, भगवान राम जो है, वो इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लेते हैं कि अब तुम मत बोलो। और लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहूति के समान थे, जो मतलब जैसे लक्ष्मण जी ने काफ़ी सारे कठोर वचन बोल दिए थे, तो उन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और परशुराम का क्रोध जो अग्नि के समान हो जाता है। और जैसे एक अग्नि को पानी ही, एक जल ही बुझा सकता है, वैसे ही श्री राम ने, भगवान राम ने, जो परशुराम की गुस्सा था आग के जैसा, वैसे ही श्री राम ने अपने वचनों से, जो कि जल के समान थे, तो सारी सभा को संभाल लिया था। तो इस तरीके से हमारे जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका अंत होता है। और इनको किसने लिखा था, तुलसीदास जी ने। और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुरा गाँव में सन 1532 में हुआ था। तुलसीराम का जो बचपन था, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा था, और जीवन के स्टार्टिंग में वो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, फिर वो पढ़ने लग गए थे, और उनके गुरु के द्वारा ही वो राम भक्ति करने लग गए थे, और इसी वजह से उन्होंने रामचरितमानस जो है वो लिख डाली थी, और काफ़ी सारे चीज़ें उन्होंने राम के ऊपर, भगवान राम के ऊपर लिख दी थी। तो ये थे तुलसीदास का काव्य परिचय। और इसी तरीके से हमारे जो पूरा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो फाइनली खत्म होता है। एंड आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर और मेरे पढ़ाने का तरीका, इन वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये नोट्स चाहिए आपको तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी अगर डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।